ओके अगला क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आपको आना चाहिए एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है 0.000035, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे आप पहले आप पॉइंट हटाइए, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितने डेसिमल से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नीचे ये हो जाएगा 35 अपॉन, नीचे कितने जीरोस आ जाएंगे, 6, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये तो आपको आता ही होगा पॉइंट हटाना, ठीक है। अगर 1.2 है तो इसको अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया मैंने, तो पॉइंट के बाद एक डेसिमल है तो 1.2 हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10, 12/10। उसी तरीके से जब आप पॉइंट हटाएंगे, ओके, तो कितने जीरोज आएंगे नीचे, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, उसके बाद डेसिमल्स काउंट करो। अच्छा उसके बाद दिस विल बी 35/10^1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं, पावर भी ऊपर आती है, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ इसको करूँगा 3.5, ओके। हमेशा याद रखना सिंगल डिजिट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और फिर पॉइंट लगाते हैं, 35 को हम लोग लिखेंगे 3.5। अच्छा अगर इसको 3.5 लिखेंगे तो मैं इसको इंटू 10 कर सकता हूँ ना, देन ओनली आई विल गेट 35 और नीचे कितना है 10^6, सो दिस विल गोइंग टू बी, अब ये तो बेस सेम है, ओके, सो दिस विल बी 3.5 × 10^1, ओके, जब 6 ऊपर जाएगा तो इट विल गोइंग टू बी -6, सो दिस विल गोइंग टू गिव अस 3.5 × 10^-5, सो दिस विल बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना आना चाहिए, वेरी इजी, दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी में एक और पार्ट था उसको भी बता दूं, ठीक है। आपको दिया था 4, व्हाट वाज गिवन टू यू, 4050000, दे वर 4 जीरोस, ठीक है, ओके। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू 4050000, ठीक है। तो अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब आपको 4 पॉइंट में चेंज करना है ना, 4 पॉइंट। तो कैसे चेंज करेंगे, अच्छा तो सबसे पहले सी, अब इसमें तो पॉइंट नहीं है तो आपको पॉइंट लगाना है, तो पहले मैं देखो इसको ऐसे कर सकता हूँ, 4050 × 10^4, कितने जीरोज है, 1 2 3 4, 10^4 हो जाएगा, ओके। अगर मैं 4.05 लगाऊंगा, 4.05 का मतलब है अगर आप इसको इंटू 100 करोगे इट विल अगेन गोइंग टू गिव यू 405 ओनली, तो मैंने पॉइंट भी लगा दिया और इंटू 100 भी कर दिया ताकि चीज़ें सेम हो जाए, एंड 10^4, ठीक है। इसको मैंने ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिखा है, सो इट विल गोइंग टू गिव मी 4.05 × पावर्स ऐड हो जाएंगे, दिस इज 100 इज 10^4 × 10^2 विल गोइंग टू गिव यू 10^6, ठीक है। सो 4.05 × 10^6 विल बी द राइट आंसर, ओके।